can with your head. Okay, Alize and Azeem, welcome to our first elimination segment. I know कि आप लोगों को मेरा welcome करना कोई अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन this is part of the game. हर participant को one by one इस segment को face करना है. तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोग discuss कर लें जिन task की base पर आप लोग आज danger zone में हो. तो Azeem, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो propose वाला segment था, जिसमें हैना ने आपको यहाँ तक पहुँचाया. देखो हैना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा. आज तुम्हें मैंने फ्लावर नहीं दिया, सिर्फ एक घंटा चाहिए, सिर्फ एक घंटा. और मैं तुम्हें जो कहोगे खिलाऊँगा, गोलगप्पे खिलाऊँगा, लक्ष्मी की दाल चावल खिलाऊँगा वहाँ पे, और अगर बाद में डिज़र्ट के लिए कहोगे तो शक्करकंदी भी खिला दूँगा. लेकिन सिर्फ एक घंटा चाहिए तुम्हारे साथ. है ना, आपके ख्याल से सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी थी? अपने से तो एवरीबॉडी ट्राई देयर बेस्ट टू इम्प्रेस मी, बट I think Azeem couldn't impress me. I think it was the golgappe and chaat and all. उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? Well, ये कहना चाहूँगा कि it was a little bit early. I was not expecting that कि इतनी जल्दी इस तरह से हो जाएगा. Thanks to Hena कि वो मुझे यहाँ तक ले आई है. सिंपल इज दैट के मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा मेरा प्रपोजल था, मुझसे भी बुरे थे. लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सब लोग देख रहे हैं और फील भी हो रहा है सब लोगों के, मतलब देयर वाज सम काइंड ऑफ लॉबी और ग्रुप सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो मे बी शायद जो मेरे अगेंस्ट लॉबी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कामयाब होगी वो. बिल्कुल जो डिसीजन था वो फेयर नहीं था. नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मे बी उसकी अपनी चॉइसेस हैं, शी इज़ द क्वीन. मुझे लगता है कुछ रीज़न ये भी थी कि जब मतलब ये टास्क था किंग और क्वीन की मेकिंग का, तो उसमें शी फेल्ट निगलेक्शन. मैंने उस्मा को वोट दिया, लेकिन तब मतलब मैंने अपना राइट का मे बी मुझे लगा, आई फेल्ट दैट. तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन हर चॉइस, अगर उसको नहीं लगा तो मतलब इट्स ओके. दूसरा जो टास्क था, जो डांस टास्क था, हाँ जी, जिसकी बेस पे आपको दोबारा जो है वोट आउट को फेस करना पड़ा, आपके अगेंस्ट वोट हुए, हाँ, उसके बारे में क्या वो होगे? थोड़ा सा सरप्राइजिंगली था, क्योंकि मुझे लगा कि आई परफॉर्म्ड वेल. ये नहीं कहूँगा कि बहुत सुपर था, लेकिन बेटर था, बेहतर था. तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई कि मतलब एक लॉबी है जो अगेंस्ट है, जो वर्किंग कंडीशन में है बहुत अच्छी तरह से. तो जिन लोगों ने मुझे मतलब किया, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, वो लोग भी ठीक थे बिल्कुल. तो जिन लोगों ने मतलब मेरे अगेंस्ट किया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. तो फाइनली आई एम हियर. कुछ कहना चाहोगे उनको? मतलब क्या कहना चाह सकता हूँ, दिस इज अ गेम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम. तो नो हार्ड फीलिंग्स. किसी एक बंदे का मतलब वोट जो आपको थोड़ा सा बुरा फील हुआ हो कि यार इस बंदे को मेरे अगेंस्ट वोट नहीं करना चाहिए था, कोई एक बंदा है मतलब जो मेरी साइड पे जितने लोग थे, मुझे उनके डिसीजन से, क्योंकि जो ठीक था उस टाइम, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. और हाँ, अगेंस्ट जो थे मेरे, उनमें मुझे विकी का और अमार का थोड़ा बहुत लगा कि मतलब कर देते तो मजा आता. अच्छा. लेकिन एनी हाउ, दिस इज अ गेम. ओके फाइन. ओके लीजिए, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि जिस टास्क की बेस पे आज आप डेंजर जोन में हैं, वो तो गुरुद्वारे वाला टास्क जिसमें आपने कैंडल सर्च कर ली. हाँ. तो क्या रीजन थी उसकी, क्यों नहीं कैंडल मिली आपको? सबको मिल गई, आपको नहीं मिली? मैं अलग डायरेक्शन में चली गई थी, बाकी सब लोग एक तरफ थे और आप एक तरफ. मैं एक अलग थी और वो सारे अलग थे. मैं रूम्स वाली साइड पे चली गई, आई थॉट आई विल फाइंड अ कैंडल देयर. सब इतने एक्साइटेड थे, कोई इधर भाग रहे, कोई इधर भाग रहा है, भाग दौड़ में मैं कंफ्यूज हो गई. और मेरे सामने एंड में मैं और असीब रह गए थे, एक कैंडल रह गई थी.
तो मेरे सामने कैंडल थी और हसीम आया वो ले गया. आई वाज सो कंफ्यूज्ड. आई नो, लेकिन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम. नो रिग्रेट्स. किसी ने कोई फेवर नहीं की तुम्हारी ढूंढने में? कोई मदद नहीं? नहीं नहीं, कोई मदद नहीं की. इवन आई थिंक द फेवरेटिज्म हो रहे थे ढूंढने में. यानी आप दोनों सेटिस्फाई हैं कि अंदर डेंजर जोन में अगर बैठे हुए हैं तो अपनी ही वजह से बैठे हैं? हां हां, बिल्कुल. कोई कंप्लेंट तो नहीं है? नो नो. कम टू द पॉइंट, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस करना है कि आप लोग कितने वोट्स आप लोगों की फेवर में आए और कितने वोट्स आपके अगेंस्ट आए. ओके, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को कमेंट्स दिखाना चाहूँगा ऑडियंस के, आप लोगों के बारे में. आप देखना चाहेंगे? जी श्योर. ओके, अलीज़े एंड अजीम दोनों डेंजर जोन में हैं एंड मेरा वोट जो है वो अलीज़े के लिए होगा, क्योंकि अजीम सानी जो है वो मुझे काफ़ी लेज़ी पर्सन लगता है. टास्क ज़रा करने में वो, आप ये समझ लो वो एक अंकल है बाकियों के मुकाबले में, मुझे जो पर्सनली फील होता है. तो मैं अपने हिसाब से देखूँ तो अलीज़े इज़ बेटर देन अजीम सानी, तो मेरा वोट अलीज़े के लिए ही होगा. मेरा वोट अजीम के लिए, अजीम जीतेगा. मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं और अजीम और अलीज़े में से मुझे सबसे अच्छी अलीज़े लगी है. और लाइक शी इज़ अ न्यू गर्ल, शी इज़ टोटली एनर्जेटिक और मुझे वो सबसे अच्छी लग रही है एंड आई टोटली वोट फॉर हर. डेंजर जोन में अजीम और अलीज़े हैं, मेरा वोट जो है वो अजीम के लिए है, क्योंकि अजीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अलीज़े अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे. इन दोनों में जो बेस्ट है वो अलीज़े हैं, और अजीम साहब को तो जो है ना इस टाइम वो तो अपना वेस्ट कर रहे हैं टाइम, अपनी जो बॉडी है वो जाके उसका कुछ देखें, उसके बाद इसमें वो एंटर हों. अब मेरा वोट लीज़े की तरफ. ओके जी, तो अब मेन रिजल्ट जो हमारे हैं वो ये हैं. अच्छा अजीम, आपको SMS के थ्रू जो वोट्स मिले हैं वो हैं 460, और अलीज़े आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 220. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. क्या रीज़न है लड़की को पीछे छोड़ दिया? फीडबैक लेते रहे होंगे खुद बिठाए हुए थे. अभी इसके अलावा भी है, ईमेल के थ्रू अजीम आपको जो वोट आए हैं वो है 140, और अलीज़े आपको जो ईमेल के थ्रू वोट्स आए हैं वो है 160. और पी ओ बॉक्स के थ्रू अजीम आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 70. अलीज़े आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 30. मेरे जानने वाले लोग पी ओ बॉक्स नहीं करते, प्लीज़. और वॉइस मेल के थ्रू अजीम जो आपको वोट्स आए हैं वो हैं 52, और आपको अलीज़े जो वोट्स आए हैं वो हैं 12. पार्टिसिपेंट से मैं ये कहना चाहूंगी कि सब बहुत अच्छे थे, अजीम बहुत अच्छे हैं एंड गुड लक, और काफी अच्छा शो है, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन द शो एंड बस.
यार उठो, सादिया का मैसेज आया है। हुमा नया सोने दो यार, को मैसेज आया कि बाहर तैयार होके आओ। हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन दिस इज अरसलान मुगल। आज के जर्नी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, होपफुली आप एंजॉय करेंगे हमारे सफर को सुन के। जब हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ तो हम सबको किसी को नहीं पता था कि हम कहां पे जा रहे हैं, बट एक्चुअली जैसे जैसे हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ ऐसा ऐसा हमें पता चलता गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जिस जगह पे आके हम ठहरे हैं ये भी एक काफ़ी मिस्टीरियस सी जगह है, बिकॉज कि अगर आप रात को इसको देखें तो डेफिनेटली कि आप डर जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि जब हमने यहाँ से देखा, अपने गेस्ट हाउस को नीचे देखा हमने, जबकि यार हमने यहाँ पे जाके रहना, तो इट वाज हॉरिबल, यू नो हम सब डर गए थे एकदम से कि यार हमने यहाँ पे जाना है। वेल हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन आप सब लोगों की वोटिंग की वजह से आई एम बैक टू द शो। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द शो बिकॉज एंटायर कास्ट क्यू इतना लविंग, इतना केयरिंग लोग हैं कि मतलब आई नेवर वांटेड टू गो। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम बैक टू द शो। We are at this beautiful hill station in the northern areas of Pakistan, and it is just about the most wonderful morning that you can ask for. Barf padi hui hai dur, aas paas bhi hamare barf hai, thandi hawa chal rahi hai aur upar se dhoop bhi nikli hui hai, so what more could you ask for? So ek to ye bada acha experience raha abhi tak, aur aaj throughout the day, aaj aur kal जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो काफ़ी कोई एक्शन पैक्ड किस्म की हमारी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे, कोई टास्क होंगे विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बाय द वे कल सारे रास्ते में जब हम लोगों ने ट्रैवल किया, हम लोगों ने काफ़ी मौज मस्ती की, हल्ला गुला किया, काफ़ी एक दूसरे को तंग किया रास्ते में वैन के अंदर, और फिर फाइनली हाफ वे थ्रू फिर यहाँ पे हम लोगों ने रुक के खाना खाया। बहुत सख्त भूख लग गई थी सारे लोगों को, और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र एक दफ़ा शुरू किया टुवर्ड्स दिस हिल स्टेशन। इतनी ऊंचाई पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मुझे काफ़ी डर लग रहा था लाहौर से यहाँ, मुझे था कि बहुत गर्मी होगी, मुझे नहीं पता इतनी सर्दी है यहाँ पे। हमें यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप लोगों को देख के भी यहाँ काफ़ी मज़ा आएगा कि आगे क्या होता है, क्या टास्क है, कुछ समझ में नहीं आ रही है देख के कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सरप्राइज है सब कुछ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बड़े बड़े दरख्तों और पहाड़ों के दरमियान हैं, बिल्कुल हम लोग नथिया गली में हैं इस टाइम, और कल हम लोग निकले थे, रात में पहुंचे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र लगा जैसे कराची का सफ़र तय किया है। अभी तक सब स्वीट जा रहे हैं, एक दो लोग हैं जिनका कोई एटीट्यूड बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन, बट मेरी स्वीटनेस के साथ अगर कोई एटीट्यूड करे तो इसका मतलब है अगला बिल्कुल कोई नेगेटिव किसी उससे आ रहा है, ठीक है। तो या तो उनके कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसको वो ओवरकम करने के लिए एटीट्यूड बनाए फिर रहे हैं, आई डोंट नो। अभी काफ़ी दिन है, अगर मैं जब तक हूँ देखा जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या उनके दिल में बात छुपी है। जो लोग कहते हैं कि यू डोंट हैव ब्यूटीफुल सीनरीज और ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, आई थिंक दे शुड कम हियर एंड सी, वी गॉट मैग्निफिसेंट व्यू एंड लवली वेदर एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ फन, इट्स लाइक अ बिग पिकनिक, लाइक अ बिग फैमिली इज देयर, यू नो एवरीबॉडी नोज ईच अदर, और हम लोग वी हैविंग सो मच फन। Hello everybody. Hi. Welcome to this beautiful valley which is full of natural treasures of our country. Kaisa lag raha hai aap logo yahan pe? Amazing. Are you guys having a good time here? Yes. All right. Aaj hamare show mein hogi ek nayi entry. A new participant in the team of Beyond the Glam. And to the surprise of all of you, she's a very good friend of all of you. And I'm damn sure that she's
मैंने शो के प्रोमोज देखे थे टीवी पे एंड जब आपने मुझे इनविटेशन दी शो पे आने की मैं वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि इट्स वन ऑफ अ काइंड रियलिटी शो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है मैंने इससे पहले अभी किसी भी चैनल पे देखा नहीं है रियलिटी शो होते हुए तो मुझे जब हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और टीम जो मैंने देखी है उनमें काफ़ी लोग मेरे दोस्त हैं जानने वाले हैं और जो नहीं हैं इट गिव्स मी अ चांस कि मैं उनको जान सकूं और नए दोस्त भी बना सकूं। ऑल राइट ग्रेट आर यू फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम थोड़ा बहुत मुझे है कि टास्क मिलते हैं और उनको करना पड़ता है और जो नहीं कर सकता है वो वोट आउट हो जाता है और जो कर लेता है इस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाता है एंड यू आर फ्रेंड्स विद फ्यू पीपल ओवर हियर एज वेल एज फार एज आई नो हाउ बिकॉज़ हू माय फ्रेंड्स लाइक आई वर्क्ड विद देम पर यहां पे एक चीज आपको अपने ज़हन में जरूर रखनी पड़ेगी Keep your friends close, but your enemies closer. For sure, always. Welcome to the show. Thank you, pleasure. All right, guys. In Beyond the Glam, everybody is a king and a queen. हर किसी को यहाँ पे ये authority दी जाएगी कि power pair की opportunity का इस्तेमाल करें. So आज आप लोग select करेंगे अपना नया power pair. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा twist है. और वो ये है कि आज अपना किंग सिलेक्ट करेंगे लड़के और अपनी क्वीन सिलेक्ट करेंगी लड़कियां एंड वी आर गोना स्टार्टिंग ऑफ राइट नाउ स्टार्टिंग विद अरसलान अरसलान आपको क्या लगता है कि नया किंग हमारा कौन होना चाहिए मेरे ख्याल से जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वैसे तो सारों के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है लेकिन जिसके साथ मैं होता हूँ और जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो हसीब हसीब थैंक यू हसीब से पूछते हैं कि अरसलान उसका सबसे अच्छा दोस्त है कि नहीं अरसलान मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो मेरा इस फील्ड का सबसे पहला फ्रेंड है तो मैं अपना वोट अरसलान को ही दूंगा अरसलान ओके बॉबी द नेक्स्ट किंग आई वुड प्रेफर द किंग should remain the same salman kyunki ye bhi main bachpan ka dost hu very good moving towards harib harib whom do you think aisa socha nahi tha abhi well then I think salman should remain the king I think we're okay with it vicky वैसे तो सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन जो मेरा वर्ड है वो मेरा जो फ्रेंड है अच्छा वाला वो है अरसलान अच्छा दोस्त तुम्हारा अरसलान है मैं नहीं हूं सही है सो विकी वांट्स अरसलान टू बी द न्यू किंग ओके अजीम वेल सलमान सलमान अनदर वोट थ्री वोट्स फॉर सलमान अमार वैसे तो मेरे भी बेस्ट फ्रेंड अरसलान एंड हसीम हैं पर मैं वोट Salman is the king again. Yeah. A big hand for Salman. All right, Salman. इतने सारे votes आपके लिए आए हैं. आप किसको vote करेंगे king के लिए? Actually, सबको मेरे ख्याल है बारी-बारी chance मिलने चाहिए. Everybody should get votes. लेकिन I think the guy who's most excited about this show from the beginning and who really psyched me up as well was Harib, and I think he should win the king. Wow, Harib. Salman is our new king again. अब लड़कियों ने सिलेक्ट करनी है अपनी नई क्वीन. Let's start from Hannah. Well, I know Sophia, so I think she's the deserving one who should be the queen. And जैसे कि सोफिया को पता है कि क्वीन की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आई होप वो पूरी उतरती है उस पर एंड किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती I just hope that. उज़्मा, तुम्हें क्या लगता है कौन होनी चाहिए हमारी नई क्वीन वेल काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए वोट करना क्योंकि हुमा शी इज़ माई सिस्टर और हाना भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वेल मैं जिसे वोट करूँगी शी इज़ माई गुड 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 फ्रेंड सोफिया हुमा ये काफ़ी मुश्किल है वोट तो मैं उज़्मा को देना चाहती थी जो डिज़र्व करता है आई थिंक सोफिया अनदर वोट फॉर सोफिया What an entry!
तो सोफिया सारे वोट्स तो आपके लिए आ गए, आप किसे वोट करोगी? एक्चुअली मुझे तो आई लव ऑल ऑफ देम एंड उस्मा एंड हैना आई नो वेरी वेल एंड दे वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन बट द थिंग इज के चूंकि ये एक शो है और गेम है आई एम नॉट गोना गेट पर्सनल सो फॉर मी आई थिंक सिंस उस्मा वो सीनियर टू मी अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं सीनियरिटी को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उस्मा को चूज करती हूँ So Salman and Sophia, you can join me as our new king and queen. इस कुकिंग टास्क को आप सब लोग परफॉर्म करेंगे लेकिन पांच पेज की फॉर्म में और पेज की सिलेक्शन आप लोग खुद करेंगे। मैं क्योंकि अजीम ने खाने पीने का भी शौक है और इसने लास्ट टास्क में बताया भी था कि गोलगप्पे में जरूर कुछ ना कुछ आता होगा बनाना Alex को मैं कोई और रिस्क ले भी नहीं सकता नहीं वो है ना कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू नो तो कोई मसला नहीं है रिस्क नहीं ले सकते हम रिस्क ले ही नहीं सकते थे वैसे भी क्योंकि चार लोगों में हम दोनों ही काफी हर पैर का लेफ्ट और राइट हाथ बांधा जाएगा और किसने सबसे अच्छी चिकन कढ़ाई बनाई ये डिसाइड करने की अथॉरिटी होगी हमारे किंग एंड क्वीन के पास Time starts now.